सर यहाँ से Get up. अजान हो जाए इनको इनकी मंजिलें आसान फरमा, इनके दवाई की इनको सब्र अता फरमा, अल्लाह ताला नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज MKM का वफ़द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कब्र पर हाजिर देने का मकसद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करना था। मैं समझता हूँ कि मोहसिन पाकिस्तान जिनकी कोशिशों और कावशों की बदौलत आज पूरी पाकिस्तानी कौम सर फ़ख्र से बुलंद करके चल रही है। आज जिसे कहते हैं कि उन्होंने जो एटमी धमाके के हवाले से जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के कैनप को डेवलप करने में जो उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनकी एहसानमंद है। और इसी वजह कर MKM पाकिस्तान ने हमेशा क्या मुतालबा किया कि जो कंट्रीब्यूशन उनकी पाकिस्तान के हवाले से थी उसी तनासर में देखते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया जाए। और कल भी वफाकी कैबिनेट में क्या क्या MKM के डेलीगेशन ने कि होना क्या चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से पाकिस्तान की किसी शहर को मंसूब किया जाए या जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको भी डॉक्टर कदीर खान के नाम से मंसूब किया जा सकता। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कोई भी साइंस और रिसर्च की जो बड़ी इमारत है उनको उनके नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यस हर जगह पे इनके लिए आवाज़ हम बुलंद करते चले आएंगे। और जो कंट्रीब्यूशन इनकी पाकिस्तान के हवाले से थी, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से थी और बिलखसूस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट के हवाले से थी वो सारी दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इनकी मिशन को जो उन्होंने पाकिस्तान को एटमिक एनर्जी के हवाले से मिज़ाइल डिप्लोमेसी के हवाले से जो आगे बढ़ाया था इसको जारी वसाई रखा जाए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल उन्होंने जो जिसे कहते हैं कि जो हमने उन्हें प्रपोज़ किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से कि बिल्डिंगों के हवाले से एयरपोर्ट के नाम मंसूब करने के हवाले से उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने वादा किया कि बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से किसी एयरपोर्ट को, बिल्डिंग को या किसी शहर को ज़रूर मंसूब किया जाएगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद जो है जो 2004, 5, 6 में जो वाक़या पेश आया फिर उनको घरों में नज़रबंद रखा गया, मैं समझते इससे मुतमईन नहीं है।
और मैं समझता हूं कि उसके बाद और उससे पहले भी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ, हमेशा पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े रहे, और पाकिस्तान की जो जो टेक्नोलॉजी से, उस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान फौज को जिस अंदर से आगे लेकर गए, तो मैं समझता हूं हम सब उनके उनकी इन कोशिशों के तस्लीम करते हैं, और समझता अगर किसी जगह कोताहियाँ हुई हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। एक तो ये कि उनकी रहलत की खबर तकरीबन 9 बजे हम लोगों को मिली, तो तदफीन में मेरे हिसाब से बहुत जल्दी कर दी गई। इंतज़ार के लिए तो 2-2 दिन रखा जाता है, लेकिन उसी दिन नमाज ज़हर के बाद दफन कर दिया गया और हम उनके दीदार से महरूम रह गए। दूसरी बात ये कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया और इन्होंने बचाया, बचाया इस तरह से कि इनकी इस काविश के बाद वो हमले, वो जंगें, वो लड़ाई, लोग सहम गए और पीछे हट गए। तो पाकिस्तान बचाने वाले को उन्हीं के कायदे आज़म के पहलू में, वो उसके बनाने वाले थे, ये बचाने वाले थे, थोड़ा सा टाइम लेते और वहीं तस्फीन उनकी करते। हमारी ख्वाहिश ये थी, लेकिन है कि यकीनन हुकूमतें मसरूफ़ होती हैं, इस चीज़ पर सरफ नज़र हो गई, जिसका मैं गिला भी है। ठीक है।